हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक इक्विपमेंट के थर्ड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे डिस्टिलेशन टावर। डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन के बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है डिस्टिलेशन की। ए प्रोसेस इन विच ए लिक्विड और वेपर मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज सेपरेटेड इन टू इट्स कंपोनेंट फ्रैक्शंस ऑफ डिजायर्ड प्योरिटी बाई दी एप्लीकेशन एंड रिमूवल ऑफ हीट। वह प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड, इन विच ए लिक्विड और वेपर मिक्सचर, जिसमें कोई लिक्विड या वेपर का मिक्सचर हो ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज सेपरेटेड इन टू इट्स कंपोनेंट, जो कि जिसमें से दो या जो दो से अधिक जो है सब्सटेंस सेपरेट किए जाते हैं इन टू इट्स कंपोनेंट फ्रैक्शंस ऑफ डेंसिटी प्योरिटी बाई एप्लीकेशन एंड रिमूवल ऑफ हीट। रिमूवल ऑफ हीट और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग दो या दो से अधिक सब्सटेंस इनके जो है कंपोनेंट्स फ्रैक्शन से सेपरेट किए जाते हैं, वह प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, डिस्टिलेशन कहलाती है। डिस्टिलेशन प्रोसेस टाइप्स क्या हैं? नंबर एक बैच टाइप और दूसरा है हमारा कंटिन्यूअस टाइप। देखते हैं बैच प्रोसेस क्या होता है। इन बैच ऑपरेशन द फीड और टू द कॉलम इज इंट्रोड्यूस्ड बैच वाइज। बैच प्रोसेस में, बैच ऑपरेशन में जो फीड होता है वो कैसे होता है, बैच वाइज इंट्रोड्यूस किया जाता है। दैट इज द कॉलम इज चार्ज विद ए बैच एंड देन द डिस्टिलेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट। कॉलम में फीड को एक बार चार्ज कर दिया जाता है और फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है। वेन द डिजायर्ड टास्क इज अचीव्ड, जब डिजायर्ड टास्क यानी कि डिस्टिलेशन कंप्लीट हो जाता है, ए नेक्स्ट बैच ऑफ फीड इज इंट्रोड्यूस, तब दूसरा बैच हम जो है फीड के रूप में इसमें बैच प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस कॉलम। कंटिन्यूअस कॉलम में क्या होता है, इन कॉन्ट्रेस्ट कंटिन्यूअस कॉलम्स प्रोसेस ए कंटिन्यूअस फीड स्ट्रीम। कंटिन्यूअस कॉलम में जो फीड होता है वो हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। नो इंटरप्शन अकर अनलेस देयर इज ए प्रॉब्लम विद द कॉलम और सराउंडिंग प्रोसेस यूनिट्स। कोई भी इंटरप्शन नहीं होता है जब तक कि कॉलम में या उसके सराउंडिंग प्रोसेस यूनिट्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। दे आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग हाई थ्रोपुट्स एंडर द मोस्ट कॉमन ऑफ टू टाइप्स। वी शैल कंसंट्रेट ओनली ऑन दिस क्लास ऑफ कॉलम्स। हम केवल जो है यहाँ पे कंटिन्यूअस कॉलम्स पे कंसंट्रेट करेंगे। देखते हैं टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस कॉलम्स। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस कॉलम्स क्या होता है, कंटिन्यूअस कॉलम्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फीड दैट वेरी सॉरी द नेचर ऑफ फीड दे आर प्रोसेसिंग। नंबर एक ये। दूसरा है हमारा बाइनरी कॉलम फीड कंटिन्यूअस ओनली टू कंपोनेंट्स। बाइनरी कॉलम जो है फीड होता है वो क्या करता है, केवल दो कंपोनेंट्स को कंटेन करता है। मल्टी कंपोनेंट कॉलम फीड कंटेन मोर देन टू कंपोनेंट्स। मल्टी कंपोनेंट जो कॉलम होता है वो दो से अधिक कंपोनेंट्स को भी फीड के रूप में कंटेन करता है। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रीम्स दे हैव। नेक्स्ट मल्टी प्रोडक्ट कॉलम। मल्टी प्रोडक्ट कॉलम क्या होते हैं, कॉलम हैज मोर देन टू प्रोडक्ट स्ट्रीम्स। कॉलम में दो प्रोडक्ट से ज़्यादा स्ट्रीम होती है। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, वेयर द एक्स्ट्रा फीड अपियर्स इन द बॉटम प्रोडक्ट स्ट्रीम। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में जो एक्स्ट्रा फीड अपियर होती है उसे हम बॉटम प्रोडक्ट स्ट्रीम में अपियर करते हैं। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में क्या होता है, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में एक्स्ट्रा फीड कहाँ अपियर होती है, टॉप प्रोडक्ट स्ट्रीम में। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में एक्स्ट्रा फीड हमारा बॉटम प्रोडक्ट स्ट्रीम में अपियर होता है और एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में हमारा एक्स्ट्रा फीड टॉप प्रोडक्ट स्ट्रीम में अपियर होता है। द टाइप ऑफ कॉलम इंटरनल्स, जो हमारा कंटिन्यूअस कॉलम्स होते हैं वो टाइप ऑफ कॉलम इंटरनल्स पे भी डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रे कॉलम। ट्रे कॉलम क्या होता है, वेयर ट्रे ऑफ वेरियस डिजाइंस आर यूज्ड टू होल्ड अप द लिक्विड टू प्रोवाइड बेटर कॉन्टेक्ट बिटवीन वेपर एंड लिक्विड हेंस बेटर सेपरेशन। ट्रे कॉलम जहाँ पे कि ट्रेज जो होते हैं बहुत सारे डिजाइन की, सीव ट्रे, प्लेट ट्रे, बबल कैप ट्रे, जो कि यूज की जाती हैं, ये क्या करती हैं, होल्ड अप द लिक्विड, ये लिक्विड को होल्ड करती हैं टू प्रोवाइड बेटर कॉन्टेक्ट, जो है ये वेपर और लिक्विड के बीच बेटर कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करती हैं जिससे कि बेटर सेपरेशन हो सके। पैक्ड कॉलम। पैक्ड कॉलम वेयर इंस्टीड ऑफ ट्रेज, जहाँ पे ट्रे का यूज नहीं किया जाता वहाँ पे पैक कॉलम का यूज किया जाता है। और पैकिंग आर यूज टू इनहेंस कॉन्टैक्ट बिटवीन वेपर एंड लिक्विड। और पैकिंग जो है क्या, जो है किस लिए यूज की जाती है, वेपर और लिक्विड के बीच कॉन्टैक्ट को बढ़ाने के लिए पैकिंग का यूज किया जाता है। वेयर द एक्स्ट्रा फीड एग्जिस्ट वेन इट इज यूज टू हेल्प विद सेपरेशन। वेयर द एक्स्ट्रा फीड एग्जिस्ट, जहाँ पे एक्स्ट्रा फीड एग्जिस्ट करती है, वेयर इट इज यूज टू हेल्प विद सेपरेशन। नेक्स्ट है हमारा बेसिक डिस्टिलेशन इक्विपमेंट एंड ऑपरेशन। डिस्टिलेशन में कौन से इक्विपमेंट हमारे यूज होते हैं और उनका ऑपरेशन क्या होता है, उनकी आवश्यकता क्या होती है, आइए देखते हैं। ए टिपिकल डिस्टिलेशन कंटेन्स सेवरल मेजर कंपोनेंट्स, ए वर्टिकल शेल। डिस्टिलेशन में एक वर्टिकल शेल यूज होता है जिसका यूज हम वेयर द सेपरेशन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट्स इज कैरीड आउट। जहाँ पे लिक्विड कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है, वर्टिकल सेल में लिक्विड कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है। कॉलम इंटरनल्स सच एज ट्रे, प्लेट्स और पैकिंग्स विच आर यूज टू इन्हेंस कंपोनेंट सेपरेशन। कॉलम के इंटरनल्स लाइक ट्रे, प्लेट और पैकिंग का यूज क्या होता है, कंपोनेंट के सेपरेशन को ये बढ़ाता है। ए रिबॉयलर। रिबॉयलर क्या प्रोवाइड करता है, द नेसेसरी वेपराइजेशन फॉर द डिस्टिलेशन प्रोसेस। रिबॉयलर हमारा जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए एक जो नेसेसरी वेपराइजेशन होता है, आवश्यक वेपराइजेशन होता है लिक्विड कंपोनेंट्स का, वह हमें रिबॉयलर प्रोवाइड कराता है। कंडेंसर। कंडेंसर टू कूल एंड कंडेंस दी वेपर लिविंग द टॉप ऑफ द कॉलम। कॉलम के टॉप से जो वेपर्स लीव करती हैं उन्हें कंडेंसर हमारा कूल करके कंडेंस करता है।
नेक्स्ट है ए रिफ्लक्स ड्रम। रिफ्लक्स ड्रम क्या करता है? टू होल्ड द कंडेंस्ड वेपर फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉलम सो दैट लिक्विड रिफ्लक्स कैन बी रिसाइकल्ड बैक टू द कॉलम। रिफ्लक्स ड्रम क्या करता है? कंडेंस्ड वेपर्स जो होती हैं उन्हें रिफ्लक्स ड्रम में होल्ड अप करता है और फिर से इन्हें कॉलम में रिसाइकल बैक करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम डिस्टिलेशन का क्या है। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में क्या है ये देखिए, यहाँ पे एक डिस्टिलेशन टावर है, ये हमारा डिस्टिलेशन टावर है। डिस्टिलेशन टावर में ये हमारा फीड जो है मिडिल से एंटर करता है। फीड के नीचे का जो पार्ट होता है वो हमारा स्ट्रैपिंग सेक्शन और फीड के ऊपर का जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा रेक्टिफाइंग सेक्शन कहलाता है। अब ये टावर के जो अपर पार्ट से जो टॉप कॉलम से जो हमारी फीड वेपर्स निकलती हैं वेपर्स लीव करती हैं उन्हें हम कूलर और कंडेंसर के थ्रू कंडेंस करके रिफ्लक्स ड्रम में कलेक्ट करते हैं। यहाँ से कुछ पार्ट यहाँ रिफ्लक्स चला जाता है और जो है रिमेनिंग पार्ट हमें एज ए डिस्टिलेट प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार नीचे एक रिबॉयलर लगा हुआ है, बॉटम में रिबॉयलर लगा हुआ है जो कि क्या करता है, इसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं और जो है हीट जो कि बॉटम प्रोडक्ट को फिर से हीटअप करता है। हीट यहाँ से आउट हो जाती है और एज ए बॉटम प्रोडक्ट हमें यहाँ से बॉटम मिल जाता है और रिबॉयलर जो है ये जो है बॉटम प्रोडक्ट जो हमारा जो बॉटम लिक्विड रहता है उसको ये हीटअप करने का काम करता है। हीट इज सप्लाई टू द रिबॉयलर जनरेट वेपर। हीट जो है रिबॉयलर में सप्लाई की जाती है किस लिए, वेपर को जनरेट करने के लिए। द सोर्स ऑफ हीट इनपुट कैन बी एनी सूटेबल फ्लूड ऑल्दो इन मोस्ट केमिकल प्लांट्स दिस इज नॉर्मली स्टीम। इन रिफाइनरीज द हीटिंग सोर्स में बी आउटपुट स्ट्रीम्स ऑफ अदर कॉलम्स। द वेपर रेस्ड इन द रिबॉयलर इज री इंट्रोड्यूस इन टू द यूनिट एट द बॉटम ऑफ द कॉलम। द लिक्विड रिमूव फ्रॉम द रिबॉयलर इज नोन एज बॉटम प्रोडक्ट और सिंपली बॉटम्स। लिक्विड जो कि बॉटम से रिबॉयलर के बॉटम से रिमूव होता है वह क्या कहलाता है, बॉटम प्रोडक्ट कहलाता है। The vapor moves up the column and as it exits the top of the unit, it is cooled by a condenser. The condensed liquid is stored in a holding vessel known as reflux drum. कॉलम के टॉप से जो वेपर्स लीव करती हैं उन्हें कूलर और कंडेंसर के थ्रू कूल करके एक वीजल में होल्ड कर लिया जाता है जिसे हम रिफ्लक्स ड्रम के नाम से जानते हैं। सम ऑफ दिस लिक्विड इज रिसाइकल्ड बैक टू द टॉप ऑफ द कॉलम एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लक्स। इसमें से कुछ पार्ट जो कि हम कॉलम के टॉप में फिर से वापस भेज देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लक्स कहलाता है। द कंडेंस्ड लिक्विड दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम इज नोन एज डिस्टिलेट और टॉप प्रोडक्ट। कंडेंस्ड लिक्विड जो कि टावर के जो है कॉलम के टॉप से हम प्राप्त करते हैं उसे हम डिस्टिलेट या टॉप प्रोडक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉलम इंटरनल्स। कॉलम इंटरनल्स में हमारे क्या आते हैं, ट्रेज आती हैं और पैकिंग्स आती हैं। ट्रेज जो कि स्टेज वाइज प्रोसेस है और ये हमारी यूज टू होल्ड अप द लिक्विड टू गिव बेटर सेपरेशन। यह लिक्विड को होल्ड अप करके बेटर सेपरेशन के लिए होती हैं। ट्रेज हमारी तीन टाइप की होती हैं, सीव ट्रे, वॉल ट्रे और बबल कैप ट्रे। पैकिंग हमारी कंटिन्यूअस प्रोसेस में आती हैं और पैक्ड कॉलम्स आर यूज्ड टू इन्हेंस कॉन्टैक्ट बिटवीन वेपर एंड लिक्विड। पैक्ड कॉलम का यूज़ हम लिक्विड और वेपर के बीच कॉन्टैक्ट को बढ़ाने के लिए या इन्हेंस के लिए करते हैं। पैकिंग हमारी रैंडम पैकिंग और स्ट्रक्चर्ड पैकिंग दो टाइप की पैकिंग होती है। आइए देखते हैं ट्रे कॉलम्स। ट्रे कॉलम्स बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रे डिजाइंस क्या है, इंटीमेट मिक्सिंग बिटवीन लिक्विड एंड वेपर स्ट्रीम्स फॉर इफिशियंट एक्सचेंज ऑफ कंपोनेंट्स। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रे डिजाइन क्या है कि इंटीमेट मिक्सिंग बिटवीन लिक्विड एंड वेपर स्ट्रीम्स, वेपर और लिक्विड स्ट्रीम्स के बीच मिक्सिंग हो जिससे कि इफिशियंट एक्सचेंज ऑफ कंपोनेंट्स हो, जिससे कि सेपरेशन हमें इफिशियंट मिल सके वेपर और लिक्विड के बीच मिक्सिंग के कारण। प्रोवाइड सफिशियंट लिक्विड होल्डअप फॉर हाई इफिशियंसी मास ट्रांसफर। ट्रे कॉलम्स हमारे क्या करते हैं, हाई इफिशियंसी मास ट्रांसफर के लिए सफिशियंट लिक्विड होल्डअप करते हैं जिससे कि हाई इफिशियंट मास ट्रांसफर हो सके। एबिलिटी टू हैंडल डिजायर्ड रेट्स ऑफ वेपर एंड लिक्विड फ्लो विदाउट एक्सेसिव लिक्विड एंटेनमेंट और फ्लडिंग। एबिलिटी टू हैंडल डिजायर्ड रेट्स ऑफ वेपर एंड लिक्विड फ्लोस, ये जो है एबल होता है डिजायर्ड रेट ऑफ वेपर और लिक्विड के फ्लो को विदाउट एक्सेसिव लिक्विड एंटेनमेंट और फ्लडिंग। विदाउट एक्स्ट्रा जो है कोई लिक्विड को एज ए एंटेनमेंट और फ्लडिंग हम इसे हैंडल कर सकते हैं। मिनिमल प्रेशर ड्रॉप ऑन ईच ट्रे स्पेशली इंपॉर्टेंट इन वैक्यूम ऑपरेशन। प्रेशर ड्रॉप ट्रे में मिनिमम प्रेशर ड्रॉप ऑन ईच ट्रे स्पेशली इंपॉर्टेंट इन वैक्यूम ऑपरेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन में या वैक्यूम ऑपरेशन में प्रेशर ड्रॉप बहुत ही मिनिमम होता है या बहुत ही मायने रखता है। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन ट्रेज। डिस्टिलेशन ट्रेज देखते हैं, हमारी सीव ट्रे, डिस्टिलेशन ट्रेज, सीव ट्रे जो कि मेटल डायामीटर एंड नंबर ऑफ होल्स आर डिजाइन कंसिडरेशन चीप एंड सिंपल। जो कि हमारी सीव ट्रे है ये मेटल की होती है, डायमीटर नंबर ऑफ होल्स आर डिजाइन कंसिडरेशन, ये बहुत ही चीप और सिंपल साधारण होती है। बबल कैप ट्रे, बबल कैप ट्रे हैज रेस्ड चिमनीज फिटेड ओवर ईच होल्ड। ये हमारी बबल कैप ट्रे है। यहाँ पे ए कैप कवर्स द राइजर, जो राइजर को कवर करती है। देयर इज ए स्पेस बिटवीन राइजर एंड कैप टू अलाउ द पासेज ऑफ वेपर। द वेपर राइजेस थ्रू द चिमनी, वेपर जब चिमनी के थ्रू राइज करती है डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स बाय द कैप ऑन डिस्चार्जिंग थ्रू स्लॉट्स।
इन द कैप बबलिंग थ्रू द लिक्विड ऑन द ट्रे, जब वेपर जो है राइज करती है तब ये हमारी डाउनवर्ड्स करती है बाय द कैप, जो कि कैप लगे होते हैं यहाँ से डाउनवर्ड करती है, कैप ऑन डिस्चार्जिंग थ्रू स्लॉट्स इन द कैप बबलिंग थ्रू द लिक्विड ऑन द ट्रे। वॉल ट्रे नेक्स्ट हम देखते हैं, वॉल ट्रे हमारी वॉल ट्रे है। परफोरेशंस आर कवर्ड बाई लिफ्ट एबल कैप्स, परफोरेशंस जो होती हैं वो लिफ्ट एबल कैप से हमारी कवर्ड रहती हैं। सेल्फ क्रिएटिंग ए फ्लो एरिया फॉर पासेज ऑफ वेपर थ्रू द लिक्विड, सेल्फ क्रिएटिंग ए फ्लो एरिया, ये जो है एक फ्लो एरिया सेल्फ क्रिएट करते हैं वेपर को पास करने के लिए थ्रू लिक्विड। द लिफ्टिंग कैप्स डायरेक्ट द वेपर टू फ्लो हॉरिजेंटली इन द लिक्विड बेटर मिक्सिंग, बेटर मिक्सिंग के लिए जो है लिफ्टिंग कैप्स डायरेक्ट द वेपर टू फ्लो हॉरिजेंटली, फ्लो जो है हॉरिजेंटली होता है लिक्विड में, वॉल स्ट्रे में। नेक्स्ट हमारा विच ट्रे टाइप, कौन सा ट्रे टाइप जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जनरली सीयू प्लेट्स आर सेटिस्फैक्ट्री फॉर मैनी एप्लीकेशंस, जनरली सीयू प्लेट्स जो होती हैं वो बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ की जाती हैं एक्सेप्ट फॉर लो वेपर फ्लो रेट्स, लो वेपर फ्लो रेट्स को एक्सेप्ट करके छोड़ के बाकी सभी एप्लीकेशंस के लिए लगभग सीयू प्लेट्स का यूज़ किया जाता है। देखते हैं रिलेटिव कॉस्ट, अगर हम देखें तो बबल कैप्स की 2.0 है, वॉल्स की 1.2 और सीयू प्लेट्स की हमारी 1.0 है। प्रेशर ड्रॉप अगर हम देखें तो बबल कैप में सबसे ज़्यादा है, वॉल स्ट्रे में इंटरमीडिएट है और सीयू प्लेट्स में लोवेस्ट है। इफिशियंसी की बात अगर हम करते हैं तो बबल कैप अच्छी इफिशियंसी देती है, वॉल भी हमारा अच्छा इफिशियंट है और सीयू ट्रे हमारा कम इफिशियंट है। वेपर कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो बबल कैप्स की बहुत ही लोवेस्ट है, वॉल्स की हमारी हाइएस्ट है और इसी प्रकार सीयू की भी हमारी हाइएस्ट है। टिपिकल टर्न डाउन रेशियो अगर हम देखें तो बबल कैप 5 है, वॉल्स का 4 है और जो है हमारा सीयू प्लेट्स का 2 है। इन सब को देखते हुए जो सीयू प्लेट्स हैं हमारी जनरली सभी एप्लीकेशन में यूज़ की जाती हैं, लो वेपर फ्लो रेट्स को छोड़ के हमारी सीयू प्लेट्स सभी जगह यूज़ की जाती हैं। अब देखते हैं प्लेट कॉलम्स, प्लेट कॉलम्स क्या हैं, पैकिंग करेक्टरिस्टिक्स इन ऑपरेशन, प्लेट कॉलम्स पैकिंग करेक्टरिस्टिक्स इन ऑपरेशन, लार्ज सर्फेस एरिया फॉर मैक्सिमम वेपर ऑब्लिक लिक्विड कॉन्टैक्ट, पैकिंग के लिए पैक्ड कॉलम के लिए लार्ज सर्फेस एरिया चाहिए फॉर मैक्सिमम वेपर ऑब्लिक लिक्विड कॉन्टैक्ट, मैक्सिमम वेपर लिक्विड कॉन्टैक्ट के लिए लार्ज सर्फेस एरिया हमें चाहिए होता है। हाई डिग्री ऑफ टर्बुलेंस टू प्रमोट रैपिड इफिशियंट मास ट्रांसफर बिटवीन फेसेस, हाई डिग्री ऑफ टर्बुलेंस जो फ्लो रेट्स होता है वो हाई डिग्री टर्बुलेंस के कारण जो हमारा मास ट्रांसफर होता है बहुत ही फेसेस के बीच इफिशियंट होता है क्योंकि ये रैपिड होता है, बहुत जल्द होता है। ओपन स्ट्रक्चर फॉर लो रेजिस्टेंस टू वेपर फ्लो हैंस लो प्रेशर ड्रॉप्स, ओपन स्ट्रक्चर फॉर लो रेजिस्टेंस टू वेपर फ्लो, लो वेपर फ्लो के लिए ओपन स्ट्रक्चर होता है जो कि लो रेजिस्टेंस होता है जो कि लो प्रेशर ड्रॉप को हैंस प्रूव्ड करता है। प्रमोट यूनिफॉर्म लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सर्फेस, प्रमोट यूनिफॉर्म लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सर्फेस, लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सर्फेस, यूनिफॉर्म लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन को ये प्रमोट करता है सर्फेस पे। प्रमोट यूनिफॉर्म गैस फ्लो अक्रॉस कॉलम क्रॉस सेक्शन, और ये यूनिफॉर्म गैस फ्लो को भी प्रमोट करता है अक्रॉस क्रॉस सेक्शन, कॉलम क्रॉस सेक्शन ये प्रमोट करता है यूनिफॉर्म गैस फ्लो को भी। स्मॉलर पैकिंग क्या करती है, इंक्रीज्ड कैपिटल कॉस्ट, हायर प्रेशर ड्रॉप, इंक्रीज्ड सर्फेस एरिया, स्मॉलर जो पैकिंग होती है हमारी वो कैपिटल कॉस्ट को बढ़ाती है, प्रेशर ड्रॉप हायर होता है और सर्फेस एरिया भी इंक्रीज होता है। पैकिंग्स नोट विल नीड मोर एनर्जी टू ड्राइव वेपर अप द कॉलम व्हेन यूजिंग पैकिंग, जब हम पैकिंग का यूज़ करते हैं तब हमें वेपर को ड्राइव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, मोर एनर्जी की आवश्यकता होती है। थ्री टाइप्स पैकिंग्स हमारी थ्री टाइप्स हैं, तो ब्रोकन सॉलिड्स, चीपेस्ट हार्डली यूज, नॉन यूनिफॉर्मली इन साइज, अनरिलायबल परफॉर्मेंस, हाई प्रेशर ड्रॉप। ब्रोकन सॉलिड्स जो कि चीपेस्ट होती हैं, हार्डली यूज़ की जाती हैं, नॉन यूनिफॉर्मली इन साइज, इनका कोई यूनिफॉर्म साइज नहीं होता है, परफॉर्मेंस इनकी अनरिलायबल है और इनमें प्रेशर ड्रॉप सबसे ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर ड्रॉप होता है। शेप्ड पैकिंग और रैंडम पैकिंग, नेक्स्ट हमारा शेप्ड पैकिंग और रैंडम पैकिंग, और थर्ड है हमारा स्ट्रक्चर्ड पैकिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम वेरियस रैंडम शेप्ड पैकिंग इंक्लूडिंग, जो रैंडम पैकिंग शेप होती है ये हमारी क्या इंक्लूड करती है, रैशिंग रिंग्स, लेसिंग रिंग्स, पॉल रिंग्स, ये हमारी जो है ये रैंडम पैकिंग में इंक्लूड होती हैं। रैशिंग रिंग्स क्या होती हैं, सिंपल हॉलो रिंग्स होती हैं जो कि ओल्डेस्ट है, चीपेस्ट है, मोस्ट वाइडली यूज़ की जाती है, लेस इफेक्टिव है, नॉट नेसेसरली मोस्ट इकोनॉमिक, कैन बी मेड इन वेरियस मटेरियल एंड सिरेमिक एंड कार्बन, ये बहुत सारे मटेरियल्स से बनी होती है, सिरेमिक और कार्बन जिनमें की मोस्टली है। लेसिंग रिंग्स क्या होती हैं, रैशिंग रिंग्स विद पार्टीशंस अक्रॉस इट्स सेंटर, रैशिंग रिंग्स जो कि पार्टीशन में होते हैं अक्रॉस इट्स सेंटर, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया एंड स्ट्रेंथ, सिरेमिक एंड मेटल्स, सरफेस एरिया और स्ट्रेंथ को ये बढ़ाती हैं लेसिंग रिंग्स, ये सिरेमिक और मेटल्स की बनी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉल रिंग्स, पॉल रिंग्स क्या होती हैं, सुपीरियर परफॉर्मेंस,
हाईली इफेक्टिव गिव बेटर वेटिंग एंड डिस्टिलेशन लिक्विड स्मॉलर प्रेशर ड्रॉप दैन वैशिंग अंडर सम कंडीशन अवेलेबल इन मेटल्स सिरेमिक एंड प्लास्टिक्स। पॉल रिंग्स हमारी मेटल्स सिरेमिक और प्लास्टिक्स में भी अवेलेबल रहती हैं, ये सुपीरियर परफॉर्मेंस रहती है इसकी और हाईली इफेक्टिव गिव बेटर वेटिंग एंड डिस्टिलेशन, ये हाईली इफेक्टिव रहती है और ये हमें वेटिंग और डिस्टिलेशन बेटर प्रोवाइड करती है। बर्ल सैडल्स, बर्ल सैडल्स लेस फ्री गैस स्पेस बेटर एरोडायनामिक शेप, सिरेमिक और प्लास्टिक फ्री गैस स्पेस बेटर एरोडायनामिक शेप सिरेमिक एंड प्लास्टिक, ये किसकी बनी होती है, ये भी हमारी बर्ल सैडल्स भी हमारी सिरेमिक या प्लास्टिक की बनी होती है। सिलेक्शन ऑफ रैंडम पैकिंग नीड टू कंसिडर टाइप साइज एंड मटेरियल। पैकिंग वर्सेज ट्रेस देखते हैं, पैकिंग जो है और अच्छी है या ट्रेस अच्छी है, पैकिंग वर्सेज ट्रेस देखते हैं। ए ट्रे कॉलम दैट इज फेसिंग थ्रोपुट प्रॉब्लम्स मे बी डी बॉटल नेक्ड बाई रिप्लेसिंग ए सेक्शन ऑफ ट्रेज विद पैकिंग्स। दिस इज बिकॉज ए ट्रे कॉलम दैट इज फेसिंग थ्रोपुट प्रॉब्लम्स, एक ट्रे कॉलम जो कि प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है मे बी डी बॉटल नेक्ड बाई रिप्लेसिंग ए सेक्शन ऑफ ट्रेज विद पैकिंग्स, एक सेक्शन जो कि ट्रे के साथ पैकिंग ट्रे के साथ रिप्लेस करती है। बिकॉज क्यों, पैकिंग प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंटरफेसियल एरिया फॉर लिक्विड वेपर कॉन्टेक्ट। पैकिंग्स क्या प्रोवाइड करती हैं, एक्स्ट्रा इंटरफेसियल एरिया प्रोवाइड करती हैं जिससे कि लिक्विड वेपर कॉन्टेक्ट ज़्यादा हो सके। इफिशियंसी ऑफ सेपरेशन इज इंक्रीज फॉर द सेम कॉलम हाइट, पैकिंग से हमारी जो इफिशियंसी होती है सेम कॉलम हाइट की वो भी सेपरेशन की इफिशियंसी ऑफ सेपरेशन इंक्रीज करती है, बढ़ जाती है। पैक्ड कॉलम्स आर शॉर्टर देन ट्रे कॉलम्स, पैक्ड कॉलम्स जो होते हैं हमारे ये ट्रे कॉलम से शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। पैक्ड कॉलम्स आर कॉल्ड कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट कॉलम्स वाइल ट्रे कॉलम्स आर कॉल्ड स्टेज्ड कॉन्टैक्ट कॉलम्स। पैक्ड कॉलम्स हमारे क्या कहलाते हैं, कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट कॉलम कहलाते हैं, जबकि ट्रे कॉलम हमारे क्या कहलाते हैं, स्टेज्ड कॉन्टैक्ट कॉलम कहलाते हैं। बिकॉज ऑफ द मैनर इन विच वेपर एंड लिक्विड आर कॉन्टैक्ट, क्योंकि यहाँ पे वेपर और लिक्विड हमारे कॉन्टैक्ट करते हैं। प्लेट टावर कैन बी डिजाइंड टू हैंडल ए वाइडर रेंज ऑफ लिक्विड एंड गैस फ्लो रेट देन पैक्ड टावर्स। प्लेट टावर्स कैसे डिजाइन किए जाते हैं, टू हैंडल ए वाइडर रेंज ऑफ लिक्विड एंड गैस फ्लो रेट, ये वाइडर रेंज ऑफ लिक्विड एंड गैस फ्लो रेट्स को हैंडल करने के लिए प्लेट कॉलम्स डिजाइन किए जाते हैं अपेक्षा पैक्ड कॉलम के। नेक्स्ट देखते हैं, पैक्ड टावर्स आर नॉट सूटेबल फॉर वेरी लो लिक्विड रेट्स, पैक्ड टावर जो हमारे रहते हैं वह जो है लो लिक्विड रेट्स के लिए, जो वेरी लो लिक्विड लेवल रेट्स के लिए ये हमारे सूटेबल नहीं रहते हैं, पैक्ड कॉलम हमारे सूटेबल नहीं होते हैं। द इफिशियंसी ऑफ ए ट्रे कैन बी प्रिडिक्टेड विद मोर सर्टेनिटी दैन द इक्विवेलेंट टर्म फॉर पैकिंग, इफिशियंसी ऑफ ए ट्रे कैन बी प्रिडिक्टेड विद मोर सर्टेनिटी दैन द इक्विवेलेंट टर्म फॉर पैकिंग। प्लेट टावर्स कैन बी डिजाइंड विद मोर अश्योरेंस दैन पैक्ड टावर्स, प्लेट टावर्स जो होते हैं ये मोर अश्योरेंस दैन पैक्ड टावर डिजाइन किए जाते हैं। इट इज इजियर टू मेक प्रोविजन फॉर द विड्रॉल ऑफ साइड स्ट्रीम्स फ्रॉम ट्रे टावर्स, ट्रे टावर्स से साइड स्ट्रीम को विड्रॉ करना आसान होता है, इजी होता है। इफ द लिक्विड काजेज फॉलिंग और कंटेन्स सॉलिड्स, इट इज इजियर टू मेक प्रोविजन फॉर क्लीनिंग इन ए ट्रे टावर, इफ द लिक्विड काजेज फॉलिंग, अगर लिक्विड में फॉलिंग हो रही है या सॉलिड कंटेन्स हैं तो ये इजियर होता है ट्रे कॉलम के लिए, ट्रे कॉलम में इसकी क्लीनिंग करना ईजियर होता है। मैन वेज कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन द ट्रेज, मैन वेज ट्रे कॉलम में इंस्टॉल्ड रहते हैं जिससे कि इसकी क्लीनिंग इजिली हम कर सकते हैं। विद स्मॉल डायमीटर टावर्स इट मे बी चीपर टू यूज पैकिंग एंड रिप्लेस द पैकिंग व्हेन इट बिकम्स फॉल्ट, और जो है स्मॉल डायमीटर टावर्स जो रहते हैं उनमें ये चीपर होता है पैकिंग में एंड रिप्लेस द पैकिंग व्हेन इट बिकम्स फॉल्ट, और तब हम पैकिंग के थ्रू इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, पैकिंग से रिप्लेस कर देते हैं जब लिक्विड फॉल्ट होता है। फॉर कोरोजिव लिक्विड्स ए पैक्ड टावर विल यूजली बी चीपर दैन द इक्वेलेंट प्लेट टावर, कोरोजिव लिक्विड्स के लिए हमारा पैक्ड टावर जो है वो सस्ता होता है, चीपर होता है अपेक्षा प्लेट टावर के, प्लेट टावर की अपेक्षा कोरोजिव लिक्विड्स के लिए पैक्ड टावर हमारा यूजली चीपर होता है, सस्ता होता है। द लिक्विड होल्डअप इज अप्रिशिएबली लोअर इन ए पैक्ड टावर दैन ए प्लेट टावर, लिक्विड होल्डअप इज अप्रिशिएबली लोअर, लिक्विड होल्डअप इज अप्रिशिएबली लोअर इन पैक्ड टावर देन ए प्लेट टावर, पैक्ड टावर में लिक्विड होल्डअप जो है लोअर रहता है प्लेट टावर की अपेक्षा, प्लेट टावर में लिक्विड होल्डअप पैक्ड टावर की अपेक्षा ज़्यादा होता है। पैक्ड टावर्स आर मोर सूटेबल फॉर हैंडलिंग फोमिंग सिस्टम्स, पैक्ड टावर्स आर मोर सूटेबल फॉर हैंडलिंग फोमिंग सिस्टम, पैक्ड टावर्स फोमिंग सिस्टम को सूटेबली हैंडल कर सकते हैं। द प्रेशर ड्रॉप पर इक्विलिब्रियम स्टेज कैन बी लोअर फॉर पैकिंग देन प्लेट्स एंड पैकिंग शुड बी कंसिडर्ड फॉर वैक्यूम टावर्स, प्रेशर ड्रॉप पर इक्विलिब्रियम स्टेज कैन बी लोअर फॉर पैकिंग देन प्लेट्स, प्रेशर ड्रॉप पैकिंग के लिए प्लेट्स की अपेक्षा पर इक्विलिब्रियम स्टेज लोअर होता है एंड पैकिंग शुड बी कंसिडर्ड फॉर वैक्यूम टावर्स, और पैकिंग जो है किसके लिए कंसिडर की जाती है, वैक्यूम टावर्स के लिए कंसिडर की जाती है।
पैकिंग शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड फॉर स्मॉल डायामीटर टावर्स। स्मॉल डायमीटर टावर्स के लिए पैकिंग हमेशा कंसिडर की जाती है से लेस देन 0.6 मीटर। 0.6 मीटर से कम डायमीटर के लिए पैकिंग कंसिडर की जाती है। वेयर ट्रेज वुड बी डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंसिव, जहाँ पे जो है ट्रेज का इंस्टॉलेशन जो है डिफिकल्ट भी होता है और ये एक्सपेंसिव भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम टावर फंक्शंस। टावर फंक्शंस में क्या है, फ्रैक्शनेटिंग टावर है हमारा फर्स्ट। फ्रैक्शनेटिंग टावर क्या होता है, इट यूज्ड इन रेफरिंग टू ए काउंटर करंट ऑपरेशन इन विच वेपर मिक्सचर इज रिपीटेडली ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद लिक्विड हैविंग नियरली द सेम कंपोजिशन एज द रिस्पेक्टिव वेपर्स। फ्रैक्शनेटिंग टावर कहाँ पर यूज किया जाता है, रेफरिंग टू ए काउंटर करंट ऑपरेशन। काउंटर करंट ऑपरेशन में यूज किया जाता है हमारा फ्रैक्शनेटिंग टावर, इन विच वेपर मिक्सचर इज रिपीटेडली ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद लिक्विड हैविंग नियरली द सेम कंपोजिशन। सेम कंपोजिशन के नियरली ब्रॉट होता है कोई भी कंपोनेंट हमारा एज रिस्पेक्टिव वेपर्स, वहाँ पे हम फ्रैक्शनेटिंग टावर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन। एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन में क्या होता है, इन द फर्स्ट स्टेप इन एनी पेट्रोलियम रिफाइनरी इन विच द सेपरेशन ऑफ द क्रूड ऑयल इनटू वेरियस फ्रैक्शंस, दीज फ्रैक्शंस मे बी प्रोडक्ट्स इन दियर ओन राइट और मे बी फीड स्टॉक्स फॉर अदर रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स। किसी भी पेट्रोलियम रिफाइनरी में एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन फर्स्ट यूनिट होती है, इन विच द सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल इंटू वेरियस फ्रैक्शंस, जिसमें कि क्रूड ऑयल का सेपरेशन हम वेरियस फ्रैक्शंस में करते हैं, दीज फ्रैक्शंस में भी प्रोडक्ट्स इन दियर ओन राइट, और इन जो हमारी फ्रैक्शंस हमारे यहाँ से जो प्राप्त होते हैं इनसे हम अपना प्रोडक्ट जो है निकालते हैं, मे बी फीड स्टॉक फॉर अदर रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूम डिस्टिलेशन टावर। वैक्यूम डिस्टिलेशन टावर का यूज़ कहाँ करते हैं, इज यूज टू रिड्यूस द टेम्परेचर फॉर डिस्टिलेशन ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल्स एंड वेयर वेरी हाई टेम्परेचर्स वुड अदरवाइज बी नीडेड टू डिस्टिल रिलेटिवली नॉन वोलेटाइल मटेरियल्स। वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, जहाँ पे हीट सेंसिटिव मटेरियल्स का हमें डिस्टिलेशन करना होता है, एंड वेयर वेरी हाई टेम्परेचर वुड अदरवाइज बी नीडेड टू डिस्टिल रिलेटिवली नॉन वोलेटाइल मटेरियल्स, या जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है किसी सब्सटेंस को जो है सेपरेट करने के लिए, रिलेटिवली नॉन वोलेटाइल मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए हमें होती आवश्यकता होती है, वहाँ पे वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। स्टेबिलाइजेशन टावर। स्टेबिलाइजेशन टावर क्या है, इट इज अ फ्रैक्शनेशन ऑपरेशन कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग हाई वेपर प्रेशर कंपोनेंट्स। स्टेबिलाइजेशन टावर जो है हमारा एक फ्रैक्शनेशन ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है, किस पर्पज के लिए, रिमूविंग हाई वेपर प्रेशर कंपोनेंट्स। हाई वेपर प्रेशर कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए फ्रैक्शनेशन ऑपरेशन हम कंडक्ट करते हैं, स्टेबिलाइजेशन टावर का यूज हम करते हैं। स्प्लिटिंग टावर। स्प्लिटिंग टावर क्या है हमारा, इट इज ए सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। स्प्लिटिंग टावर एक सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, इन विच सेपरेशन ऑफ नेफ्था इनटू टू स्ट्रीम्स बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग कैन टेक प्लेस, जिसमें कि नेफ्था का सेपरेशन करते हैं दो स्ट्रीम्स में, यहाँ से हमें लाइट नेफ्था और हैवी नेफ्था प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रैपिंग टावर। स्ट्रैपिंग टावर क्या होता है, द प्रोसेस वेयर द रिक्वायरमेंट्स टू स्ट्रिप ए वोलेटाइल कंपोनेंट और ग्रुप ऑफ सिमिलर कंपोनेंट्स फ्रॉम एक्टिवली रिलेटिवली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन और प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रैपिंग गैस और स्टीम। स्ट्रैपिंग टावर क्या होता है, द प्रोसेस वेयर द रिक्वायरमेंट्स टू स्ट्रैप ए वोलेटाइल कंपोनेंट और ग्रुप ऑफ सिमिलर कंपोनेंट्स, जहाँ से हमें जो है वोलेटाइल कंपोनेंट्स और ग्रुप ऑफ सिमिलर कंपोनेंट्स को स्ट्रिप करना होता है, वहाँ पे हम स्ट्रिपिंग टावर का यूज़ करते हैं, रिलेटिवली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन और प्रोडक्ट बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रिपिंग गैस और स्टीम। नेक्स्ट है हमारा कॉलम रिबॉयलर्स। कॉलम रिबॉयलर्स क्या होते हैं, देयर आर ए नंबर ऑफ डिजाइंस ऑफ रिबॉयलर्स, दे कैन बी रिगार्डेड एज हीट एक्सचेंजर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एनफ एनर्जी टू ब्रिंग द लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द कॉलम टू बॉइलिंग पॉइंट। देर आर ए नंबर ऑफ डिजाइन ऑफ रिबॉयलर्स, दे कैन बी रिगार्डेड एज हीट एक्सचेंजर, एज ए हीट एक्सचेंजर ये रिगार्ड किए जाते हैं, दैट आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एनफ एनर्जी टू ब्रिंग द लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द कॉलम टू बॉइलिंग पॉइंट। कॉलम के बॉटम में जो लिक्विड रहता है उसको एनफ एनर्जी ये प्रोवाइड करते हैं, जिसके इसके बॉइलिंग पॉइंट तक ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं, ये हमारा थर्मल साइफन रिबॉयलर। थर्मल साइफन रिबॉयलर ये कॉलम है, हॉट वेपर्स हीटिंग मीडियम ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये नीचे वॉल लगा हुआ है और ये हमारा लेवल कंट्रोलर लगा हुआ है, ये थर्मल साइफन रिबॉयलर है। इसी प्रकार हमारा दूसरा है, ये हमारा फायर्ड हीटर रिबॉयलर। फायर्ड हीटर रिबॉयलर आप देख रहे हैं, इसमें कि फ्रैक्शनेटिंग टावर में बॉटम ट्रेज हैं, हॉट वेपर्स एंटर कर रही हैं, ये हमारा फायर्ड हीटर बॉयलर लगा हुआ है, ये फ्रैक्शनेटर बॉटम पंप है, ये यहाँ पे हमारा बॉटम प्रोडक्ट जो कि स्टोरेज के लिए जा रहा है ये हमारा यहाँ पे है। ये है हमारा केटल टाइप रिबॉयलर। केटल टाइप रिबॉयलर में आप देख रहे हैं लिक्विड प्रोडक्ट्स जो कि आउट हो रहा है, यहाँ नीचे से रिबॉयलर लगा हुआ है, लिक्विड कंट्रोल लेवल लगा हुआ है, वेपर्स यहाँ से एंटर कर रहे हैं, स्टीम हम रिबॉयलर को दे रहे हैं, जिससे कि जो लिक्विड है उसको हम हीटअप कर सकें और वेपर फॉर्म में चेंज कर सकें। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये हमारा नीचे का सेक्शन स्टॉपिंग ट्रेज स्टॉपिंग सेक्शन बोलते हैं। फीड जो कि एंटर करता है, इसके अपर पार्ट जिसे कि हम रेक्टिफाइंग सेक्शन कहते हैं,
ऊपर देखिए आप, ये यहाँ से वेपर आउट हो रही हैं, और जो कि वेपर्स जो कि यहाँ से आउट हो रही हैं, गैस प्रोड्यूस होती है यहाँ से, हम कूलर और कंडेंसर के थ्रू इसे ये रिफ्लक्स ड्रम है इसमें कलेक्ट करते हैं, और यहाँ से कुछ पार्ट हम एज ए रिफ्लक्स वापस कॉलम में, टॉप कॉलम में भेज देते हैं, और कुछ पार्ट जो है हम एज ए डिस्टिलेट यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केटल टाइप रिबॉयलर। केटल टाइप रिबॉयलर, इन दिस रिबॉयलर द बॉटम प्रोडक्ट फ्रॉम द टावर फ्लोज टू बॉटम ऑफ द रिबॉयलर एंड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द हॉट कॉयल्स विच आर हीटेड बाई स्टीम और अनदर हीटिंग मीडियम। केटल टाइप रिबॉयलर में जो बॉटम प्रोडक्ट रहता है, टावर फ्लोज टू द बॉटम ऑफ द रिबॉयलर, रिबॉयलर के बॉटम में ये फ्लो करता है और कम इन कॉन्टेक्ट विद हॉट कॉयल्स, हॉट कॉयल्स के कॉन्टेक्ट में आता है, विच आर हीटेड बाई स्टीम, जो कि स्टीम या किसी अदर हीटिंग मीडियम से हीट होती हैं। पार्ट्स ऑफ द लिक्विड इज वेपराइज्ड एंड रिटर्न्स बैक टू द टावर। लिक्विड का कुछ पार्ट जो कि वेपराइज्ड होता है और रिटर्न बैक होता है टावर में। इट इज दिस हॉट वेपर दैट प्रोसेस अप थ्रू द ट्रेस टू फ्रैक्शनेट द प्रोडक्ट ऑन ईच ट्रे। जो वेपर्स हमारी लीव करती हैं या टावर में बनती हैं, वो ईच ट्रे पर प्रोडक्ट को फ्रैक्शनेट करती हैं, सेपरेट करती हैं। स्टेटेड अनदर वे, द हीट डेराइव द टावर। जो हीट है वो हमारे टावर को डेराइव करती है, ड्राइव करती है। द लिक्विड दैट इज नॉट वेपराइज्ड पॉजेज ओवर द वेयर प्लेट बिहाइंड द ट्यूब बंडल एंड इज लेवल कंट्रोल्ड आउट ऑफ द रिबॉयलर। लिक्विड जो कि वेपराइज नहीं होता है, पॉजेज ओवर द वेयर प्लेट, वेयर प्लेट पॉजेज होता है बिहाइंड द ट्यूब बंडल एंड इज लेवल कंट्रोल्ड आउट ऑफ द रिबॉयलर, और ये रिबॉयलर के कंट्रोल से आउट होता है, लेवल कंट्रोल्ड आउट, लेवल कंट्रोल्ड होता है। नेक्स्ट है द थर्मल साइफन रिबॉयलर। थर्मल साइफन रिबॉयलर, थर्मल साइफन रिबॉयलर क्या होता है? द थर्मल साइफन रिबॉयलर यूजेस कन्वेक्शन एलोन टू प्रोड्यूस सर्कुलेशन। थर्मल साइफन रिबॉयलर क्या यूज करता है? कन्वेक्शन का यूज करता है, कन्वेक्शन एलोन टू प्रोड्यूस सर्कुलेशन, सर्कुलेशन प्रोड्यूस करने के लिए कन्वेक्शन का यूज करता है। द बॉटम प्रोडक्ट फ्लोज टू द बॉटम ऑफ द रिबॉयलर बाई ग्रेविटी। बॉटम प्रोडक्ट जो कि फ्लो करता है बॉटम ऑफ द रिबॉयलर में बाई ग्रेविटी। द एडिशन ऑफ हीट काजेज सम ऑफ द लिक्विड इन द रिबॉयलर टू वेपराइज एंड रिमेनिंग हीटेड लिक्विड एक्सपेंस। जब हीट हम ऐड करते हैं रिबॉयलर में, तब क्या होता है, कुछ लिक्विड जो कि वेपराइज कर जाता है और रिमेनिंग जो हीटेड लिक्विड होता है वो एक्सपेंड करता है। द मिक्सचर ऑफ वेपर एंड हॉट लिक्विड इन द रिबॉयलर हैज़ ए मच लोअर रिलेटिव डेंसिटी दैन द बॉटम लिक्विड एंड थर्मल साइफन फ्लोज इज प्रोड्यूस्ड। थर्मल साइफन फ्लो जो है हमारा ये प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है फायर्ड हीटर बॉयलर। फायर्ड हीटर बॉयलर्स हमारे क्या होते हैं? तो ये हमारा द फ्लो थ्रू द फायर्ड हीटर टाइप रिबॉयलर मस्ट बी पॉजिटिव टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग ऑफ द ट्यूब्स इन द हीटर। द फ्लो थ्रू द फायर्ड हीटर टाइप रिबॉयलर मस्ट बी पॉजिटिव। फायर्ड हीटर रिबॉयलर जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, इनसे क्या होता है, प्रिवेंट करता है ये ओवर हीटिंग ऑफ द ट्यूब्स, ट्यूब्स की ओवर हीटिंग को ये प्रिवेंट करता है। इन द हीटर द फ्रैक्शनेटर बॉटम पंप सर्कुलेट्स एलॉय नियरली ऑल ऑफ द बॉटम प्रोडक्ट थ्रू द रिबॉयलर। फ्रैक्शनेटर का जो बॉटम पंप होता है वो सर्कुलेट करता है ऑल और नियरली ऑल ऑफ द बॉटम प्रोडक्ट थ्रू द रिबॉयलर। ए पॉजिटिव फ्लो थ्रू ऑल प्रोसेस ऑफ द रिबॉयलर इज वेरी क्रिटिकल। ए पॉजिटिव थ्रू ऑल प्रोसेस ऑफ द रिबॉयलर इज वेरी क्रिटिकल एंड द कंट्रोल्स मस्ट बी इंटरलॉक्ड सो फ्लो फेल्यूर विल शट डाउन द बर्नर्स टू द हीटर। पॉजिटिव फ्लो थ्रू ऑल प्रोसेस ऑफ द रिबॉयलर इज वेरी क्रिटिकल। पॉजिटिव फ्लो जो कि रिबॉयलर के सभी प्रोसेस से पास करता है वह बहुत ही क्रिटिकल होता है एंड द कंट्रोल्स मस्ट बी इंटरलॉक, कंट्रोल जो है मस्ट बी इंटरलॉक्ड होते हैं, सो फ्लो फेल्यूर विल शट डाउन द बर्नर्स टू द हीटर। इसलिए फ्लो फेल्यूर बर्नर्स को शट डाउन कर देता है, जिससे कि हीटर शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। इन सम ऑपरेशंस द फायर्ड हीटर विल सप्लाई हीट मोर देन वन फ्रैक्शनेटर। कुछ ऑपरेशंस में फायर्ड हीटर एक से ज़्यादा फ्रैक्शनेटर को हीट सप्लाई करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉलम कंडेंसर्स। कॉलम कंडेंसर्स हमारे क्या होते हैं? लिक्विड वेपर कॉन्टेक्ट इन द टॉप ऑफ द टॉवर इज रिक्वायर्ड टू प्योरीफाई द ओवरहेड प्रोडक्ट एंड टू कंडेंस एनी बॉटम प्रोडक्ट दैट इज बीइंग ड्रिवन ओवरहेड। द कंडेंसिंग ऑफ सम और ऑल ऑफ द ओवरहेड प्रोडक्ट इज एकम्प्लिश्ड बाई कूलिंग दी ओवरहेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन ए हीट एक्सचेंजर। लिक्विड वेपर कॉन्टैक्ट जो कि टॉप में होता है टॉवर के, ये क्या रिक्वायर करता है, प्योरीफाई दी ओवरहेड प्रोडक्ट एंड टू कंडेंस एनी बॉटम प्रोडक्ट। कोई बॉटम प्रोडक्ट को कंडेंस करे दैट इज बींग ड्रिवन ओवर हेड। द कंडेंसिंग ऑफ सम और ऑल ऑफ द ओवर हेड प्रोडक्ट इज एकम्प्लिश्ड बाई कूलिंग
द ओवर हेड प्रोडक्ट इन द हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर में इसको कूल किया जाए। द ओवर हेड कंडेंसर मे यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर ए कूलिंग मीडियम। ओवर हेड कंडेंसर का यूज़ जो है एनी ऑफ द फॉलोइंग कूलिंग मीडियम के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर एक हमारा फिन फैन कूलर, फिन फैन कूलर विच इज ए हीट एक्सचेंजर कंटेनिंग फिन्ड ट्यूब्स टू इंक्रीज द हीटिंग सरफेस, जो कि एक हीट एक्सचेंजर है, फिन्ड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, ये क्या करता है हीटिंग सरफेस को इंक्रीज कर देता है। एयर इज फोर्स्ड अक्रॉस द ट्यूब्स बाई फैंस, हैंस द नेम फिन फैन। एयर क्या करता है, एयर फोर्स करती है ट्यूब्स को बाई फैंस, हैंस द नेम इज फिन फैन, जिससे किसका नाम फिन फैन है। वाटर कूल्ड कंडेंसर, दूसरा है हमारा वाटर कूल्ड कंडेंसर, ये क्या है, इन विच द ओवरहेड प्रोडक्ट टेम्परेचर मे बी कंट्रोल्ड रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ कूलिंग वाटर थ्रू द कंडेंसर। दिस मेथड मे बी एम्प्लॉयड टू कंडेंस ऑल आर पार्ट ऑफ द ओवरहेड प्रोडक्ट। वाटर कूल्ड कंडेंसर क्या करता है, ओवरहेड प्रोडक्ट टेम्परेचर को कंट्रोल करता है बाय रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ कूलिंग टावर, कूलिंग वाटर थ्रू द कंडेंसर। दिस मेथड मे बी एम्प्लॉयड टू कंडेंसर ऑल और पार्ट ऑफ द ओवरहेड प्रोडक्ट। यह मेथड हम ऑल या किसी पार्ट ऑफ ओवरहेड प्रोडक्ट को कूल करने के लिए करते हैं। पार्शियल कंडेंसर्स, पार्शियल कंडेंसर्स क्या होते हैं, और दूसरा है हमारा टोटल कंडेंसर। तो देखते हैं, ये देखिए हमारा फ्रैक्शनेटर कॉलम है, इसमें कि ओवरहेड प्रोडक्ट यहाँ से आउट हुआ और पार्शियल कंडेंसर इसमें कि वाटर इन हुआ आउट हुआ और यहाँ से कुछ कंडेंस होके रिफ्लक्स ड्रम में जाता है। रिफ्लक्स ड्रम से हम गैसेस यहाँ से आउट कर लेते हैं और ये हमारा पंप के थ्रू कुछ पार्ट रिफ्लक्स एज ए रिफ्लक्स एंड कुछ पार्ट एज ए लिक्विड प्रोडक्ट या एज ए डिस्टिलेट हमें प्राप्त हो जाता है। तो पार्शियल कंडेंसर्स क्या होते हैं, द पार्शियल कंडेंसर्स इज बेस्ट यूज्ड व्हेन देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन द ओवरहेड वेपर कंपोजिशन। जब वेपर कंपोजिशन में, ओवरहेड वेपर कंपोजिशंस में लार्ज डिफरेंस हो, लार्ज डिफरेंस हो, तब वहां पे हम पार्शियल कंडेंसर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मेथेन एंड हाइड्रोजन मिक्स्ड इन ए प्रोपिलीन स्ट्रीम। जब प्रोपिलीन स्ट्रीम में एक स्मॉल अमाउंट मेथेन और हाइड्रोजन का मिक्स हो, लाइक द प्रोपिलीन टावर, द पार्शियल कंडेंसर कंडेंस द प्रोपिलीन एंड लीव्स द मेथेन एंड हाइड्रोजन एज ए वेपर टू वेंटेड फ्रॉम द ओवरहेड रिसीवर। तब वहाँ पे हम प्रोपिलीन को कंडेंस कर लेते हैं और मेथेन और हाइड्रोजन को एज ए वेंट ओवरहेड रिसीवर में हम जो है वेंट कर देते हैं, भेज देते हैं। नेक्स्ट है हमारा टोटल कंडेंसर। टोटल कंडेंसर क्या होता है, टोटल कंडेंसर में हमारा ये फ्रैक्शनेटर कॉलम है, ओवरहेड निकला जो कि वाटर इन और आउट, और यहाँ से हम इसको टोटल कंडेंस कर लिए। टोटल कंडेंस करने के बाद इसको हम रिफ्लक्स ड्रम में भेजते हैं, यहाँ से कुछ गैसेस जो कि फ्लेयर में आउट हो जाती हैं, रिफ्लक्स एक्लोमेटर के थ्रू कुछ पार्ट रिफ्लक्स में और सम पार्ट्स पंप के थ्रू एज ए लिक्विड प्रोडक्ट या एज ए डिस्टिलेट हम प्राप्त कर लेते हैं। तो टोटल कंडेंसर का यूज़ हम क्या करते हैं, टोटल कंडेंसर्स आर यूज्ड टू कंडेंस ऑल द वेपर प्रोडक्ट कमिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटर। टोटल कंडेंसर का यूज़ हम क्या करते हैं, जो कि हम जो है फ्रैक्शनेटर के टॉप प्रोडक्ट, टॉप से जो भी हमारा वेपर प्रोडक्ट आता है उसके लिए हम टोटल कंडेंसर का यूज़ करते हैं। द रिफ्लक्स एंड द कंडेंस्ड प्रोडक्ट आर इजेंशली ऑफ द सेम कंपोजिशन। रिफ्लक्स और जो कि हमारा कंडेंस्ड प्रोडक्ट है ये सेम कंपोजिशन के होते हैं। एंड इज कंट्रोल्ड मेंटेन्ड बाई रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कूलिंग मीडियम पासिंग थ्रू द कंडेंसर।
टोटल कंडेंसर्स आर कॉमनली यूज इन कंडेंसिंग एलपीजी एंड हैवियर प्रोडक्ट्स। टोटल कंडेंसर्स का यूज हम कहाँ करते हैं, एलपीजी या हैवियर प्रोडक्ट्स की कंडेंसिंग में करते हैं। एलपीजी या हैवियर प्रोडक्ट्स कंडेंसिंग में हम टोटल कंडेंसर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हॉट वेपर बाईपास कंडेंसर। हॉट वेपर बाईपास कंडेंसर क्या होता है, दी हॉट वेपर बाईपास कंडेंसर इज बेस्ट यूटिलाइज्ड व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल फॉर लार्ज चांसेस ऑफ ओवरहेड वेपर कंपोजिशन। हॉट वेपर बाईपास कंडेंसर बेस्ट यूटिलाइज होता है जहां पे लार्ज चांसेस होते हैं ओवरहेड वेपर कंपोजिशन के पोटेंशियल के। दी वेपर बाईपास कैन बी यूज टू मेंटेन दी प्रेशर इन दी टॉवर सिस्टम व्हेन दी लाइट कंपोनेंट्स आर लोअर देन डिजाइन। दी वेपर बाईपास कैन बी यूज टू मेंटेन दी प्रेशर इन दी टॉवर सिस्टम। वेपर बाईपास का यूज हम कहाँ करते हैं, जो कि हमारा टॉवर सिस्टम में प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होता है, प्रेशर को मेंटेन करता है व्हेन द लाइट कंपोनेंट्स आर लोअर देन डिजाइन। जब लाइट कंपोनेंट्स डिजाइन से लोअर होते हैं तब हम टॉवर सिस्टम में हॉट वेपर बाईपास कंडेंसर का यूज करते हैं जो कि टॉवर सिस्टम में प्रेशर को मेंटेन करता है। दी हॉट वेपर बाईपास कंडेंसर ऑल्सो हैज ए लोअर इंस्टॉल्ड कास्ट ड्यू टू द हीट एक्सचेंजर बींग इंस्टॉल्ड ऑन द ग्राउंड लेवल। हॉट वेपर बाईपास कंडेंसर का इंस्टॉलेशन लोअर होता है हीट एक्सचेंजर की अपेक्षा ऑन ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पर अगर हम हीट एक्सचेंजर का इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहाँ पे हॉट वेपर बाईपास कंडेंसर का इंस्टॉलेशन लोअर पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा कॉलम रिफ्लक्स। कॉलम रिफ्लक्स देखते हैं हम, कॉलम रिफ्लक्स क्या होता है। द वर्ड रिफ्लक्स इज डिफाइंड एज फ्लोइंग बैक। वर्ड रिफ्लक्स जो कि डिफाइन होता है एज ए फ्लोइंग बैक, वापस आना कुछ चीज, अप्लाइंग इट टू डिस्टिलेशन टावर। रिफ्लक्स इज द लिक्विड फ्लोइंग बैक डाउन टावर फ्रॉम ईच सक्सेसिव स्टेज। टावर की ईच सक्सेसिव स्टेज से जो लिक्विड फ्लो होता है, बैक फ्लो होता है, वह हमारा एज ए रिफ्लक्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारा काइंड्स ऑफ रिफ्लक्स। रिफ्लक्स के प्रकार क्या होते हैं, तो फर्स्ट है हमारा कोल्ड रिफ्लक्स। कोल्ड रिफ्लक्स क्या होता है, कोल्ड रिफ्लक्स इज डिफाइंड एज रिफ्लक्स दैट इज सप्लाइड एट टेम्परेचर ए लिटिल बिलो दैट एट द टॉप ऑफ द टावर। कोल्ड रिफ्लक्स इज डिफाइंड एज रिफ्लक्स दैट इज सप्लाइड एट टेम्परेचर ए लिटिल बिलो दैट एट द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप में जो टेम्परेचर रहता है उससे नीचे जो रिफ्लक्स, टावर का टॉप का जो टेम्परेचर रहता है उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे जो रिफ्लक्स हम अप्लाई करते हैं या सप्लाई करते हैं वह हमारा कोल्ड रिफ्लक्स कहलाता है। ईच पाउंड ऑफ दिस रिफ्लक्स रिमूव्स ए क्वांटिटी ऑफ हीट इक्वल टू द सम ऑफ इट्स लेटेंट एंड सेंसिबल हीट। ईच पाउंड ऑफ दिस रिफ्लक्स, ईच पाउंड ऑफ दिस रिफ्लक्स क्या रिमूव करता है, क्वांटिटी ऑफ हीट को रिमूव करता है जो कि सम ऑफ इसकी लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के इक्वल होती है रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर, जो कि इसके टेम्परेचर को रेज करता है, बढ़ाता है फ्रॉम रिफ्लक्स फ्रॉम टेम्परेचर टू द टेम्परेचर एट द टॉप ऑफ द टॉवर। फ्रॉम रिफ्लक्स टेम्परेचर टू द टॉप ऑफ द टेम्परेचर टॉवर। नेक्स्ट है हमारा हॉट रिफ्लक्स। हॉट रिफ्लक्स क्या होता है, इट इज द रिफ्लक्स दैट इज एडमिटेड टू द टॉवर एट द सेम टेम्परेचर एज दैट मेंटेन्ड एट टॉप ऑफ द टॉवर। हॉट रिफ्लक्स क्या होता है, हॉट रिफ्लक्स दैट इज एडमिटेड टू द टॉवर एट द सेम टेम्परेचर। हॉट रिफ्लक्स जो कि टॉवर के टॉप का जो टेम्परेचर होता है उसके इक्वल जो रिफ्लक्स होता है वह हमारा हॉट रिफ्लक्स कहलाता है। इट इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग द लेटेंट हीट बिकॉज नो डिफरेंस इन टेम्परेचर इज इन्वॉल्व। और ये हमारा कैपेबल होता है
लेटेंट हीट को रिमूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई भी नो डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व, कोई भी टेम्परेचर में डिफरेंस इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए यह लेटेंट हीट को रिमूव करने के लिए हॉट रिफ्लक्स कैपेबल होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल रिफ्लक्स। इंटरनल रिफ्लक्स क्या होता है? इट इज़ द रिफ्लक्स और द ओवरफ्लो फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर इन द टावर। इंटरनल रिफ्लक्स एक रिफ्लक्स होता है या एक ओवरफ्लो होता है जो कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे होता है, एंड मे बी कॉल्ड हॉट रिफ्लक्स बिकॉज इट इज ऑलवेज सब्सिस्टेंसली एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो है एज ए हॉट रिफ्लक्स भी कहलाता है क्योंकि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे सब्सिस्टेंट होता है। इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रिमूविंग लेटेंट हीट ओनली बिकॉज नो डिफरेंस इन टेम्परेचर इज इन्वॉल्व। और ये हमेशा जो है ये कैपेबल होता है, ऑल्सो कैपेबल होता है लेटेंट हीट को रिमूव करने के लिए, क्योंकि इसमें भी टेम्परेचर डिफरेंस इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेटिंग रिफ्लक्स। सर्कुलेटिंग रिफ्लक्स क्या होता है? इट इज ऑल्सो एबल टू रिमूव ओनली द सेंसिबल हीट विच इज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स चेंज इन टेम्परेचर एज इट इज सर्कुलेट्स। इट इज ऑल्सो एबल टू रिमूव ओनली द सेंसिबल हीट। सर्कुलेटिंग रिफ्लक्स क्या रिमूव करता है? सेंसिबल हीट को रिमूव करने के एबल होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है बाई इट्स चेंज इन टेम्परेचर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई चेंज इन टेम्परेचर एज इट सर्कुलेट्स। द रिफ्लक्स इज विड्रॉन एंड इज रिटर्न्ड टू द टावर। रिफ्लक्स जो कि विड्रॉ होता है और टावर में रिटर्न होता है आफ्टर हैविंग बीन कूल्ड। कूलिंग के बाद जो रिफ्लक्स इसमें रिटर्न होता है टावर में वो हमारा सर्कुलेटिंग रिफ्लक्स कहलाता है, और जो कि सेंसिबल हीट को रिमूव करने के योग्य होता है। नेक्स्ट है हमारा साइड रिफ्लक्स। साइड रिफ्लक्स क्या होता है? दिस टाइप ऑफ रिफ्लक्स सर्कुलेटिंग रिफ्लक्स। साइड रिफ्लक्स भी एज ए सर्कुलेटिंग रिफ्लक्स कहते हैं। मे कन्वीनियंटली बी यूज टू रिमूव हीट एट पॉइंट्स बिलो द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप का जो टेम्परेचर रहता है उससे बिलो पॉइंट पे जो हीट का रिमूवल होता है वह हमारा साइड रिफ्लक्स का होता है। इफ़ यूज इन दिस मैनर इट टेंड्स टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वेपर द टावर हैंडल्स। अगर इस मैनर में हम इसको यूज़ करते हैं, साइड रिफ्लक्स यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है? वेपर के वॉल्यूम्स को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है रिफ्लक्स रेशियो। रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इंटरनल रिफ्लक्स डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ टॉप प्रोडक्ट। रिफ्लक्स रेशियो इंटरनल रिफ्लक्स और अमाउंट ऑफ टॉप प्रोडक्ट का फ्रैक्शन होता है। सिंस इंटरनल हॉट रिफ्लक्स कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय कंप्यूटेशन, प्लांट ऑपरेटर्स यूजली ऑब्टेन द रिफ्लक्स रेशियो बाय डिवाइडिंग एक्चुअल रिफ्लक्स बाय टॉप प्रोडक्ट। इट इज़ डिनोटेड बाई आर विच इक्वल्स एल अपॉन डी। आर इज इक्वल टू एल अपॉन डी। रिफ्लक्स को हम जो है ये एल जो कि हमारा टॉप प्रोडक्ट है और ये हमारा डी ओवरहेड प्रोडक्ट है, यानी कि इंटरनल रिफ्लक्स एल रिफ्लक्स इंटरनल रिफ्लक्स और डी हमारा अमाउंट ऑफ टॉप प्रोडक्ट, इसका जो रेशियो होता है वह हमारा रिफ्लक्स रेशियो कहलाता है। नेक्स्ट है द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिफ्लक्स रेशियो। रिफ्लक्स रेशियो की इम्पॉर्टेंस क्या है? इन जनरल इंक्रीजिंग द रिफ्लक्स इम्प्रूव्स ओवरहेड प्योरिटी एंड इंक्रीज रिकवरी ऑफ द बॉटम प्रोडक्ट। रिफ्लक्स रेशियो की इम्पॉर्टेंस क्या है? ओवरहेड प्रोडक्ट की इम्प्योरिटी को बढ़ाता है ये, और ये इंक्रीज रिकवरी ऑफ द बॉटम प्रोडक्ट, बॉटम प्रोडक्ट की रिकवरी को भी ये इंक्रीज करता है। द नंबर ऑफ स्टेजेस रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन सेपरेशन विल बी डिपेंडेंट अपॉन द रिफ्लक्स रेशियो यूज्ड। नंबर ऑफ स्टेजेस जो कि रिक्वायर होती हैं सेपरेशन के लिए डिपेंडेंट अपॉन द रिफ्लक्स रेशियो, रिफ्लक्स रेशियो पे ये डिपेंडेंट होती हैं।
टोटल रिफ्लक्स, टोटल रिफ्लक्स इज द कंक्लूजन व्हेन ऑल द कंडेंसेट इज रिटर्न्ड टू द टावर एज रिफ्लक्स, नो प्रोडक्ट इज टेकन ऑफ एंड देयर इज नो फीड. टोटल रिफ्लक्स इज द कंक्लूजन व्हेन ऑल द कंडेंसेट इज रिटर्न्ड. टोटल रिफ्लक्स एक कंक्लूजन होता है जब ऑल कंडेंसेट, पूरा कंडेंसेट रिटर्न कर दिया जाता है टू द टावर एज रिफ्लक्स. टावर में एज ए रिफ्लक्स टोटल कंडेंसेट रिटर्न कर दिया जाता है तब वो हमारा टोटल रिफ्लक्स कहलाता है. नो प्रोडक्ट इज टेकन ऑफ एंड देयर इज नो फीड. कोई भी प्रोडक्ट जो है वहाँ से नहीं निकालते हैं और ना ही हम कोई फीड एज ए वहाँ पे हम एंटर करते हैं तब ये हमारा टोटल रिफ्लक्स कहलाता है. नेक्स्ट है एट टोटल रिफ्लक्स द नंबर ऑफ स्टेजेस रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन सेपरेशन इज द मिनिमम एट विच इट इज थियोरेटिकली पॉसिबल टू अचीव द सेपरेशन एंड टोटल रिफ्लक्स इज कैरिड आउट एट. टोटल रिफ्लक्स के लिए नंबर ऑफ स्टेजेस हमें मिनिमम रिक्वायर होती हैं, मिनिमम रिक्वायर होती हैं. और टोटल रिफ्लक्स हम कब कैरिड आउट करते हैं, जब टावर का स्टार्टअप हो या टेस्टिंग ऑफ द टावर हो. नेक्स्ट है हमारा मिनिमम रिफ्लक्स. मिनिमम रिफ्लक्स क्या होता है, एट मिनिमम रिफ्लक्स द सेपरेशन कैन ओनली बी अचीव्ड विद एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस. दिस सेट्स द मिनिमम पॉसिबल रिफ्लक्स रेशियो फॉर स्पेसिफाइड सेपरेशन. मिनिमम रिफ्लक्स के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो. ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो, प्रैक्टिकल रिफ्लक्स रेशियो विल लाई बिटवीन द मिनिमम फॉर द स्पेसिफाइड सेपरेशन एंड टोटल रिफ्लक्स. द ऑप्टिमम वैल्यू विल बी एबल वन एट विच द स्पेसिफाइड सेपरेशन इज अचीव्ड एट द लोवेस्ट एनुअल कॉस्ट, स्टीम और वेपर. For many systems, the optimum value of reflux ratio will lie between 1:2 to 1:5 times the minimum reflux ratio. बहुत से सिस्टम्स के लिए ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ रिफ्लक्स रेशियो क्या लाई करती है, बिटवीन 1:2 टू 1:5 टाइम्स मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो ये यहाँ पे लाई करती है. नेक्स्ट है हमारा टावर प्रॉब्लम सॉल्विंग. टावर में कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ये हमारी फोमिंग, इंट्रेनमेंट, वीपिंग और डंपिंग, फ्लडिंग और डाउन कमर और फ्लडिंग. देखते हैं फोमिंग. फोमिंग क्या होता है, फोमिंग रेफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ड्यू टू पासेज ऑफ वेपर और गैस कास्ट बाई हाई वेपर फ्लो रेट्स. फोमिंग कब रेफर्स होती है, जब लिक्विड का एक्सपेंशन होता है ड्यू टू पॉसेज ऑफ वेपर और गैस कास्ट बाई हाई वेपर फ्लो रेट्स. हाई वेपर फ्लो रेट्स के कारण जब लिक्विड का एक्सपेंशन होता है तब यहाँ पे जो है फोमिंग होती है. ऑल दो इट प्रोवाइड्स हाई इंटरफेसियल लिक्विड वेपर कॉन्टेक्ट, एक्सेसिव फोमिंग ऑफन लीड्स टू लिक्विड बिल्डअप ऑन ट्रेज. इन सम केसेज फोमिंग में बी सो बैड दैट द फोम मिक्सेज विद लिक्विड ऑन द ट्रे एबव. वॉट एवर द काज सेपरेशन इफिशेंसी इज ऑलवेज रेड्यूस्ड. फोमिंग के कारण जो है सेपरेशन इफिशेंसी जो होती है वो ऑलवेज रेड्यूस हो जाती है. नेक्स्ट है इंट्रेनमेंट. इंट्रेनमेंट क्या होता है, कास्ट बाई एक्सेसिवली हाई वेपर फ्लो रेट्स. हाई वेपर फ्लो रेट्स के कारण हमारा इंट्रेनमेंट होता है टावर में. इंट्रेनमेंट रेफर्स टू द लिक्विड कैरीड बाय वेपर टू द ट्रे एबव. ट्रे से ऊपर जब कोई लिक्विड कैरीड होता है, कैरीड बाय वेपर होता है, बाय वेपर कैरीड आउट होता है कोई लिक्विड ट्रे एबव, तब ये हमारा इंट्रेनमेंट को रेफर करता है. इट इज़ डिटर्मिनेंटली बिकॉज ट्रे इफिशेंसी इज रेड्यूस्ड. जिसके कारण हमारी ट्रे इफिशेंसी रेड्यूस कर जाती है. लोअर वॉलेटाइल मटेरियल इज कैरीड टू ए प्लेट होल्डिंग लिक्विड ऑफ हायर वॉलेटिलिटी. लोअर वॉलेटाइल मटेरियल जो कि प्लेट
के ऊपर आ जाता है, होल्डिंग लिक्विड ऑफ हायर वोलेटिलिटी। एक्सेसिव इंटेनमेंट कैन लीड ऑफ फ्लडिंग। एक्सेसिव इंटेनमेंट जो कि फ्लडिंग को भी लीड करती है। एक्सेसिव इंटेनमेंट किसे लीड करती है? फ्लडिंग को भी लीड करती है। नेक्स्ट है फ्लडिंग। फ्लडिंग क्यों होती है हमारी? फ्लडिंग इज ब्रॉट अबाउट बाई एक्सेसिव वेपर फ्लो। एक्सेसिव वेपर फ्लो के कारण टावर में हमारी फ्लडिंग होती है, कॉजिंग लिक्विड टू बी इंट्रेंड इन द वेपर अप द कॉलम। द इंक्रीज्ड प्रेशर फ्रॉम एक्सेसिव वेपर ऑल्सो बैक अप द लिक्विड इन टू द डाउन कमर, कॉजिंग एन इंक्रीज इन लिक्विड होल्डअप ऑन द प्लेट अबव। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ फ्लडिंग द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कॉलम मे बी सेवरली रेड्यूस्ड। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ फ्लडिंग द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कॉलम मे बी सेवरली रेड्यूस्ड। फ्लडिंग के कारण जो कॉलम की कैपेसिटी होती है मैक्सिममली वह रेड्यूस कर जाती है। फ्लडिंग इज डिटेक्टेड बाई शार्प इंक्रीज इन कॉलम डिफरेंशियल प्रेशर एंड सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन सेपरेशन एफिशिएंसी। फ्लडिंग कैसे डिटेक्ट की जाती है? कॉलम में डिफरेंशियल प्रेशर, इंक्रीज इन कॉलम डिफरेंशियल प्रेशर या डिक्रीज सेपरेशन एफिशिएंसी से हम फ्लडिंग को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है वीपिंग और डंपिंग। वीपिंग और डंपिंग क्या होता है? कास्ट बाय एक्सेसिवली लो वेपर फ्लो। वीपिंग और डैम्पिंग हमारा एक्सेसिवली लो वेपर फ्लो के कारण, बहुत ज़्यादा लो वेपर फ्लो के कारण हमें वीपिंग और डैम्पिंग हमारी ये टावर में होती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाई द वेपर इज इनसफिशियंट टू होल्ड अप द लिक्विड ऑन द ट्रे, देयर फॉर लिक्विड स्टार्ट्स। द प्रेशर एक्सर्टेड बाई द वेपर इज इनसफिशियंट। प्रेशर जो कि वेपर के द्वारा एक्सर्ट होता है इनसफिशियंट होता है टू होल्ड अप द लिक्विड ऑन द ट्रे। ट्रे पर लिक्विड को होल्ड अप करने के लिए जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वेपर के द्वारा वह इनसफिशियंट होता है, देयर फॉर लिक्विड स्टार्ट्स वीपिंग। और जो ये हमारा लिक्विड होता है वो वीपिंग स्टार्ट कर देता है, डंपिंग स्टार्ट कर देता है। वेरी लो वेपर फ्लो के कारण डंपिंग होती है। टू लीक थ्रू परफोरेशंस। परफोरेशंस के थ्रू लीक के कारण भी हमारा टॉवर में क्या होता है? डंपिंग हो जाती है। एक्सेसिव वीपिंग विल लीड टू डंपिंग। एक्सेसिव वीपिंग जो है हमारी डंपिंग को लीड करती है। द लिक्विड ऑन ऑल ट्रेज विल क्रैश थ्रो टू द बेस ऑफ द कॉलम वाया ए डोमिनो इफेक्ट एंड द कॉलम विल हैव टू बी रीस्टार्टेड। वीपिंग इज इंडिकेटेड बाई ए शार्प प्रेशर ड्रॉप। वीपिंग जो कि इंडिकेट करती है शार्प प्रेशर ड्रॉप को, इन द कॉलम इज रेड्यूस्ड सेपरेशन एफिशिएंसी। कॉलम की सेपरेशन एफिशिएंसी रेड्यूस हो जाती है और प्रेशर ड्रॉप भी बहुत ही जल्द होता है जो कि हमारा वीपिंग को इंट्रोड्यूस करता है, इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है हमारा डाउन कमर फ्लडिंग। डाउन कमर फ्लडिंग क्या होता है टावर्स में? डाउन कमर फ्लडिंग हमारा कास्ट बाय एक्सेसिवली हाई लिक्विड फ्लो और ए मिसमैच बिटवीन द लिक्विड फ्लो रेट एंड द डाउन कमर एरिया। एक्सेसिवली हाई लिक्विड फ्लो या मिसमैच बिटवीन लिक्विड फ्लो रेट एंड डाउन कमर एरिया जब होता है तब हमारा डाउन कमर फ्लडिंग टावर में होती है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाई इंश्योरिंग दैट द डाउन कमर बैकअप लेवल इज बिलो 50%। इसे हम अवॉइड कर सकते हैं जब डाउन कमर बैकअप जो है 50% से कम होता है ऑफ द ट्रे स्पेसिंग। दिस कैन बी चेक्ड बाई परफॉर्मिंग ट्रे साइजिंग यूजिंग ए प्रोसेस सिमुलेटर। परफॉर्मिंग ट्रे साइजिंग यूजिंग ए प्रोसेस सिमुलेटर के द्वारा इसे हम चेक कर सकते हैं। इफ़ नेसेसरी डिज़ाइन मल्टी पास ट्रेज।
अगर आवश्यक है तो हम मल्टी पास ट्रे को डिज़ाइन करते हैं डाउन कमर फ्लडिंग में। डाउन कमर फ्लडिंग हमारी एक्सेसिव हाई लिक्विड फ्लो रेट्स के कारण होती है। नेक्स्ट हमारा डिस्टिलेशन इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। टू कंट्रोल टावर टेम्परेचर, रिफ्लक्स रेशियो, टेम्परेचर ग्रेडियंट, 2.2 कंडेंसर, टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा दिया हुआ है। The operating parameters to be selected by the designer include operating pressure, reflux ratio, feed condition, feed stage location and type of condenser. Next है हमारा how pressure control works or coning. Increasing the number of stages will improve separation. Distillation column designs हैं। Drawing tower overview is very important. हम ऊपर पढ़ चुके हैं रेक्टिफाइंग सेक्शन, स्ट्रैपिंग सेक्शन, फीड, बॉटम प्रोडक्ट, रिबॉयलर, हीट इन एंड आउट, डिस्टिलेट जो कि हमें यहाँ से मिला, टॉप प्रोडक्ट निकला, इसको कंडेंसेट किया, एज ए रिफ्लक्स इसमें हमने कुछ डाल दिया और ये हमारा रिफ्लक्स ड्रम हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं ट्रबल शूटिंग। डिस्टिलेशन टावर में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ ट्रबल शूटिंग होती हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है यह देखते हैं। तो केसेस हमारे क्या हैं, सेपरेट मटेरियल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास। एक केस हमारा है सेपरेट मटेरियल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास, जहाँ पे प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, लो कंडेंसेशन टेम्परेचर। अब इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन और मेम्ब्रेन्स के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेपरेट हीट सेंसिटिव मटेरियल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। हाई मॉलिक्यूलर मास हाइट सेंसिटिव मटेरियल्स को सेपरेट करने के केस में थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसका सॉल्यूशन हम एज ए वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है सेपरेट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन। उन कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना है जो कि लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, हाई फ्लो रेट्स इन कॉलम। कॉलम में हाई फ्लो रेट हमारा एक प्रॉब्लम होता है जिससे कि हम एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेपरेट क्लास ऑफ कंपोनेंट्स लाइक एरोमेटिक्स फ्रॉम एलिफैटिक्स। एरोमेटिक्स को एलिफैटिक से सेपरेट करने के लिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, बॉइलिंग टेम्परेचर्स ऑब्लिक वॉलेटिलिटीज ऑफ कंपोनेंट्स इन ए क्लास आर नॉट एडजस्टेंट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिक्विड एक्सट्रैक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेपरेट कंपोनेंट्स विद सिमिलर रिलेटिव वॉलेटिलिटीज। सिमिलर रिलेटिव वॉलेटिलिटीज के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है टावर में, डिफिकल्ट सेपरेशन, हाई ऑपरेटिंग एंड कैपिटल कॉस्ट। ये सेपरेशन डिफिकल्ट होता है और इसकी ऑपरेटिंग और कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड मास सेपरेटिंग एजेंट एंड एम्प्लॉय एक्सट्रैक्टिव और हेट्रोजीनियस डिस्टिलेशन और लिक्विड एक्सट्रैक्शन और क्रिस्टलाइजेशन। हम क्या करते हैं, मास सेपरेटिंग एजेंट को इसमें ऐड करते हैं और एक्सट्रैक्टिव और हेट्रोजीनियस डिस्टिलेशन को एम्प्लॉय करते हैं या लिक्विड एक्सट्रैक्शन को एम्प्लॉय करते हैं, जिससे कि हम सिमिलर रिलेटिव वोलेटिलिटीज के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेपरेट कंपोनेंट्स विच फ्रॉम एन एजियोट्रॉप। कंपोनेंट्स जो कि एजियोट्रॉप में होते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, एजियोट्रॉप लिमिट्स प्रोडक्ट कंपोजिशन। एजियोट्रॉप लिमिट्स प्रोडक्ट कंपोजिशन हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसके लिए भी हम एक ऐड मास सेपरेटिंग एजेंट ऐड करते हैं और हम एक्सट्रैक्टिव हेट्रोजीनियस या लिक्विड एक्सट्रैक्शन या क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेपरेट वोलेटाइल एंड इनवोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल और इनवोलेटाइल कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए हम क्या करते हैं, इवापोरेशन, ड्राइंग और नैनो फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। और प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, डिस्टिलेशन रिक्वायर्स दैट ऑल कंपोनेंट्स आर मोबाइल फॉर काउंटर करेंट फ्लो।
डिस्टिलेशन जो कि रिक्वायर करता है सभी कंपोनेंट्स के लिए काउंटर करंट फ्लो को। नेक्स्ट है हमारा सेपरेट कंडेंसिबल एंड नॉन कंडेंसिबल कंपोनेंट्स। कंडेंसिबल और नॉन कंडेंसिबल कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ओनली पार्शियल कंडेंसर कैन बी यूज्ड ओवरहेड। प्रॉब्लम क्या है कि पार्शियल कंडेंसर का यूज करते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है, यूज सिंगल स्टेज सेपरेशन यानी कि फ्लैश सेपरेशन का यूज करके हम कंडेंसेबल और नॉन कंडेंसेबल कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं।